पहली कैबिनेट की आज मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक हुई और जैसा कि 12 फरवरी 2022 को मैंने और मेरी पार्टी ने उत्तराखंड की देवकुल्ले जनता के समक्ष ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है, हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सेना में है, किसी के घर का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का चाचा है, किसी के पिता हैं, वो हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में सेना में जाकर या अर्धसैनिक बलों में, सेना में या अन्य किसी फोर्सों में जाकर अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। वहीं हमारा राज्य दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपनी अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है।